अक्षरा, मंजरी और अभिमन्यु ने दूर किए अपने सारे मनमुटाव। तीनों ने अभिर के साथ मिलकर मनाया एक परिवार वाला मोमेंट। अभिनव को ये सब देख कर आ रहे हैं कौन से नए ख्याल, मंजरी बना रही है कौन सा नया ख्वाब। टॉप प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कायरव और मुस्कान की शादी है बिरला गोयनका शर्मा। तीनों परिवार इकट्ठा हो गए हैं इस जश्न को पूरा करने के लिए। ऐसे में यहाँ पर मंजरी देख लेती है अक्षरा को कि किस तरह से वो यहाँ पर इतने कम पैसे में भी घर चला रही है। मंजरी बहुत खुश है कि अक्षरा अब पहले से भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। अक्षरा का हाथ जल गया है, मंजरी उसकी मदद कर रही है। ऐसे में दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है कि पुराने दिन याद आ जाते हैं। इसी बीच में रूही अभिर को लेकर बात होती है, वहीं पर यहाँ अभिमन्यु की भी एंट्री हो जाती है। अभिमन्यु जबरदस्त टांग खिंचाई करता है अक्षरा की, तो वहीं अक्षरा भी अभिमन्यु को टीज करने में पीछे नहीं रहती। इसी बीच में अभिर आ जाता है और चारों मिलकर एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ खिलखिलाकर मस्ती करते हैं। दूर खड़ा अभिनव ये सब कुछ देख रहा है और उसे लगता है कि अक्षरा की असली जगह उसके परिवार के साथ ही है, वो सबसे ज़्यादा खुश वहीं रहती है। मंजरी के मन में भी ये ख्याल आता है, क्या पहले की तरह अभिमन्यु और अक्षरा फिर से रह सकते हैं। अभिमन्यु और अक्षरा के पुराने दिनों को याद करके मंजरी इमोशनल हो जाती है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा क्या अभिर के साथ साथ मंजरी अक्षरा को भी लेकर जाएगी अपने अभिमन्यु के लिए, और क्या अभिनव अक्षरा को कह देगा कि वो फिर से अपने पहले और अपने इकलौते प्यार के पास चली जाए। आप अक्षरा के लिए किस तरह की जिंदगी चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।